हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 9th ऑफ EVS. दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ क्लास 3rd, वाटर. एज वी ऑल नो दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन फॉर अस एंड लाइफ इज एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर एंड एयर. सो वी यूज़ वाटर इन डेली लाइफ एज टेक बाथ, कुकिंग फूड, वॉश यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा. इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वाटर अ लॉट्स ऑफ, बट वी वेस्ट अ लॉट्स ऑफ वाटर ऑल्सो. सो बी केयरफुल टू बी द यूजेज ऑफ वाटर. लेट्स रीड दिस चैप्टर इन डिटेल. वाटर, वाटर मीन्स पानी. हम सभी को पता है कि हम पानी का यूज़ कितनी मात्रा में करते हैं. पानी के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता. वाटर इज़ द प्रीशियस गिफ्ट गिवन टू अस बाय नेचर. वाटर क्या है? प्रीशियस गिफ्ट है, कीमती गिफ्ट है, कीमती उपहार है जो कि हमें प्रकृति ने दिया है. वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. जो वाटर है वो नेसेसरी क्या होता है? ज़रूरी. वो ज़रूरी है इस संसार में सभी लिविंग थिंग्स के सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. वी कांट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते. वाटर फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बॉडीज़. जो पानी है वो मनुष्य और एनिमल्स और पौधों में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है. इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये बहुत ज़रूरी है विकास के लिए और वृद्धि के लिए सभी ह्यूमन बींग्स की और लिविंग थिंग्स की. फॉर्म्स ऑफ वाटर, अब हम डिटेल में करेंगे वाटर की फॉर्म्स क्या हैं, वाटर के कौन कौन से रूप हैं. स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार देखा है कि पानी की हमारे पास तीन फॉर्म्स आती हैं. एक बर्फ़ होती है सॉलिड, एक लिक्विड होते हैं जिसमें हम पानी यूज़ करते हैं, और थर्ड होता है गैसेस, तो भाप. तो नाउ वी विल डू दिस इन डिटेल. आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन डिटेल. फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म. जो पानी है वो धरती पर 3 रूपों में मौजूद है. सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव और गैसेस, भाप. ठीक है, और वाटर वेपर मतलब जल वाष्प, भाप. ठीक है, गैस और भाप. सॉलिड फॉर्म, अब इसकी ठोस फॉर्म क्या होती है? सॉलिड क्या होता है? ठोस. इसकी ठोस फॉर्म क्या होती है? ठोस रूप कौन सा होता है? हमने कई बार देखा है बेटा, हम क्या करते हैं, मोस्टली हम गर्मियों में फ्रीज़र में किसी बर्तन में पानी भरकर रख देते हैं, तो वो जो पानी है वो किस में चेंज हो जाता है? बर्फ़ में. तो इट मीन्स आइस क्या है, बर्फ़ क्या है? वाटर की सॉलिड फॉर्म है. इन कोल्ड रीजन, ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है, माउंटेन्स पर जो वाटर है वो फ्रोज़न मतलब जम जाता है, और वो अपनी किस में चेंज हो जाता है? बर्फ़ में. इट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. यह वाटर की कौन सी फॉर्म होती है? सॉलिड फॉर्म होती है. आइस हैज़ अ डेफिनेट शेप. आइस की क्या होती है? एक निश्चित शेप होती है. निश्चित शेप मीन्स बेटा कि अगर हम किसी पानी को बाउल में रख देते हैं और उसे फ्रिज में जमा देते हैं तो वो निश्चित हो जाएगा, उसकी डेफिनेट शेप हो जाएगी. और जब वो आइस फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी, तो वो हमारे पास कैसे बाहर आएगी? बाउल की शेप में. तो जिस भी शेप में हम पानी को डालेंगे तो वो क्या होता है, उसी शेप को ले लेता है और उसी शेप में जम कर हमारे पास सॉलिड के रूप में हमें प्राप्त होता है. आइस इज़ लाइटर देन वाटर. जो आइस है, बर्फ़ है, वो पानी से हल्की होती है. दिस इज़ द रीज़न दैट इट फ्लोट्स ऑन वाटर. यही रीज़न है इसका कि ये पानी पर क्या करती है, फ्लोट मीन्स तैरना, पानी पर तैरती है. नेक्स्ट है लिक्विड फॉर्म. लिक्विड क्या होता है? द्रव या तरल. तरल, ठीक है, तरल. जिस रूप में हम पानी को पीते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म होती है. द वाटर विच वी ड्रिंक इज़ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. जो पानी हम पीते हैं वो कौन सी होती है? तरल या द्रव होती है. इट हैज़ नो फिक्स शेप. हमें पता है कि इसकी शेप क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती. एंड फ्लोज लाइक एनी अदर लिक्विड. और बाकी भी लिक्विड की तरह ये क्या होता है, फैल जाता है या बहता है. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट्स कैप्ट. ये उसी कंटेनर की शेप लेता है जिसमें हम इसे रख लेते हैं. देखो, अगर हम बाउल में पानी पीते हैं तो वो कौन सी शेप ले लेता है? बाउल की
अगर हम गिलास में पीते हैं तो वो गिलास की ले लेता है, इसी तरह अगर हम बकेट में पानी रखते हैं तो वो किसकी शेप ले लेता है, बकेट की। तो हम जिस भी, हमने अपने रेगुलर लाइफ में देखा है कि हम जिस भी पानी, किसी भी बर्तन को, बर्तन में जब पानी डालते हैं तो वो उसी बर्तन की शेप ले लेता है। अब है गैसेस फॉर्म या जल वाष्प किसे कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी पुट वेट क्लोथ्स अंडर द सन टू ड्राई, वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स गोज इनटू द एयर। व्हेन वी पुट वेट क्लोथ्स, जब हम गीले कपड़ों को अंडर द सन धूप में सुखाने के लिए डालते हैं, वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स गोज इनटू द एयर। जो हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद कपड़े सूख जाते हैं, क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो सूरज की किरणें खींच लेती हैं और पानी कहाँ चला जाता है, हवा में चला जाता है। वाटर फ्रॉम अदर वाटर सोर्सेज लाइक लेक्स, रिवर्स, ओशंस आल्सो गोज इनटू द एयर। और जो भी हमारे धरती पर पानी मौजूद है इसके अलावा, जैसे लेक्स में, झीलों में, नदियों में, समुंदर में, सागरों में, तो वो पानी भी क्या होता है, सन की जो किरणें होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो अपनी ओर खींच लेती हैं और वो कहाँ पर मिक्स हो जाता है, हवा में। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। और जब हम